स्मार्ट सिटी योजना के तहत चौराहों का किस तरह से विकास कराया जा रहा है, इसकी वानगी हमने आपको कल दिखाई थी, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से नगर निगम द्वारा की गई कार्यगुजारी स्मार्ट सिटी की खूबसूरती को अशोभनीय बनाती है। ये नगर निगम के पोल हैं जिनकी साइटों को नीलाम कराकर बड़े रसूखदार लोग साइटों को खरीदते हैं और फिर शुरू होता है विज्ञापन का गंदा खेल। बड़े बड़े पोस्टर कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित कर उन प्रोडक्टों को खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। कानपुर में गुटखा मसालों से पड़े ये वो यूनिपोल हैं जो काफी लंबे समय से शहर के नगर निगम को लाखों करोड़ों का चूना भी लगाते हैं और स्वच्छ भारत मिशन को भी पलीता लगाते हैं। ऐसे यूनिपोल जो इंसान की सेहत और स्मार्ट शहरों के लिए अभिशाप हैं, ऐसी होल्डिंगों और यूनिपोलों का क्या स्मार्ट शहर में लगना शहर को दाग लगाने जैसा नहीं लगता है। खुलेआम सड़कों पर लगे ये यूनिपोल कहीं ना कहीं सरकार को मुंह चिढ़ाते दिखते हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी आँख मूंदे बैठे रहते हैं। क्या शहर के वीआईपी रोड पर लगे इन यूनिपोलों पर सरकार के बड़े अधिकारियों या मंत्रियों की नज़र नहीं पड़ती होगी? जरूर पड़ती होगी, लेकिन ये भी मजबूर हैं बड़े साहबों के डर से, और इस डर में भी योजनाओं को पलीता लगाकर ये अधिकारी सब कुछ छिपा ले जाते हैं, लेकिन फिर भी नगर निगम को इससे कोई फायदा भी नहीं पहुंचता। दिशा निर्देश के नाम पर सिर्फ नगर निगम की कमाई पर चोट पहुंचाई जा रही है और स्मार्ट शहर को ये यूनिपोल बदसूरत बनाते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस।